ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था इसके पहले फंजाई के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लिया था। ठीक है, उसमें एक चीज़ जो लिखवाया था मैंने, फादर ऑफ माइकोलॉजी, उसको सही कर लेना। फादर ऑफ माइकोलॉजी एक नाम, उनके भी नाम में एंटोनी आता था ना, एंटोन डिवेरी उनका नाम है, फादर ऑफ माइकोलॉजी। और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी हैं पियरे एंटोनियो। ठीक है, तो पियरे एंटोनियो में बस जहाँ लिखे होगे फादर ऑफ माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के आगे मॉडर्न लगा लेना। ठीक, यानी कैसे समझो, फादर ऑफ माइकोलॉजी यानी माइकोलॉजी के पापा कौन है, एंटोनी डिवेरी, और माइकोलॉजी के डैडी कौन है, पियरे एंटोनियो। ठीक है, मॉडर्न, तो बस याद रखना। अब हम लोग थोड़ा सा हाइफा के बारे में बात करते हैं, हाइफा क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो हाइफा। हाइफा ये एक बेसिक यूनिट होती है फंजाई की, तो लिख लो इसमें कि हाइफा इज द बेसिक structural and fundamental unit of fungi. Hypha is the basic structural and fundamental unit of फंजाई। अब जरा एक चीज़ ध्यान देना कि जो हाइफा है ना, हाइफा पहले हमने समझ लिया हाइफा क्या होता है। हाइफा जो फंजाई होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट है। अब हाइफा दो तरीके के होते हैं, हाइफा दो तरीके के होंगे। कौन कौन से वो दो तरीके के हाइफा होंगे? हाइफा के दो पार्ट हम लोग याद रखेंगे, हाइफा के दो पार्ट। एक होता है सेप्टेट और एक होता है एसेप्टेट। एक क्या होता है? एसेप्टेट। ठीक, तो एक है सेप्टेट और एसेप्टेट। क्या होगा सेप्टेट और क्या होगा एसेप्टेट? तो लिखो, सेप्टेट का मतलब है कि हाइफा में क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगा? क्रॉस वॉल। क्या होता है? अभी बता रहा हूँ, एकदम घबराना नहीं है, बस लिख लो क्रॉस वॉल प्रेजेंट। अच्छा, ध्यान रखना पड़ता है ब्रैकेट लगाने के समय कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो कुछ मैथ वाले भी देखते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है हमारा वीडियो देख करके, तो एक आख को देखते हैं, कहते हैं बड़ा अच्छा टीचिंग स्टाइल है, इसलिए वो सिर्फ इसीलिए देखते हैं क्योंकि टीचिंग स्टाइल अच्छा है। चूँकि कुछ लोग पढ़ाते हैं तो वो सीखने की भी कोशिश करते हैं हमसे। तो देखो, अब जैसे ये देख रहा, यहाँ मैंने लगाया ये बड़ा वाला कोष्ठक। अब अगर यहाँ पे छोटा वाला लगा दूंगा तो मैं थोड़ा को पॉइंट मिल जाएगा बोलने का, तो इसे सब ध्यान देना पड़ता है। तो सेप्टेट का मतलब क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगी। एसेप्टेट का क्या मतलब है? एसेप्टेट का मतलब है क्रॉस वॉल जो है, अब से गजब तेज हो, क्रॉस वॉल अब्सेंट होगी। ठीक ना, क्रॉस वॉल अब्सेंट होगी। अब जरा ध्यान से देखते हैं क्या होता है क्रॉस वॉल। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे तो उसके लिए पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे मान लो ये हमने एक हाइफा बनाया। अभी ये पूरा हाइफा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल, अभी ये सिर्फ हम लोग इसमें पता नहीं कर पाएंगे ये सेल वॉल है कि सेल मेम्ब्रेन है, जबकि हमने क्या पढ़ा है फंजाई के पास सेल वॉल होती है। और किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी? काइटिन की। एकदम इतना बार बोल दूंगा कि याद हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पहले एक और लेयर बना दें। तो ये हमने तैयार कर लिया बना करके हाइफा। ये हमने क्या बना के तैयार किया? हाइफा। अब इस हाइफा में ध्यान दो कि क्या बीच में हमें कुछ भी दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बना लें ताकि कुछ दिखाई दे। मौज कर रहे हैं सब। वही है, ये ऐसे डॉट डॉट दिख रहा है, तो मतलब क्या है? वही जो फ्लूड होता है वही है सिर के अंदर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और एक ऐसे ऐसे गोला गोला बना लें, डेंस स्ट्रक्चर है। अब देखो, क्या ये हाइफा के बीच में कहीं भी कोई वॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, यानी कि ये कैसी है? एसेप्टेट। कैसी है? एसेप्टेट। अब अगर इसी में कोई वॉल जैसा स्ट्रक्चर आ जाए,
अब अगर इसी में कोई वॉल जैसा स्ट्रक्चर है, मान लो इसी के बीच में मैं ऐसे कर दूँ, इसी के बीच में मैं ऐसे ऐसे कर दूँ, अब देखो दिख गया ना वॉल जैसा। अब देखो बड़े ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आएगा, पार्ट वाइज समझ में आ रहा होगा हाइफा, पार्ट वाइज समझ में आ रहा होगा। तो यही जो बीच में वॉल आ जा रहा है ना, इसी वॉल का एक्चुअली में नाम क्या होता है, सेप्टा। क्या नाम होता है? सेप्टा। इसी वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टा या सेप्टम, सेप्टा या सेप्टम, ठीक। तो इसी के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है कि जिस ऐसा कोई भी हाइफा जहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेप्टेट, यानी कि क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, यानी क्रॉस वॉल किसको बोल रहे हैं? सेप्टम को, ठीक, सेप्टा को या सेप्टम को। लेकिन अगर वही क्रॉस वॉल नहीं है, यानी वही सेप्टा अगर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कैसा हाइफा है? एसेप्टेट है। तो दोनों चीज़ें समझ में आई, सेप्टेट और एसेप्टेट। अब देखना, अगर जो ये क्रॉस वॉल है यानी कि जो सेप्टा है उसके बीच में एक पोर जैसा स्ट्रक्चर होता है, पोर, पोर का मतलब समझते हैं, पोर का मतलब होता है छोटा सा छेद, ठीक, पोर जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो पोर उसमें दो टाइप के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? दो टाइप के। तो इस आधार पे, इस पोर के आधार पे सेप्टा, ये जो सेप्टेट हाइफा होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन से देखना, दो पार्ट में क्या डिवाइड किया जाता है? एक्चुअली पोर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक देखो कौन सा पोर होगा, एक पोर होता है सिंपल पोर, कौन सा? सिंपल पोर। और एक पोर होता है डोली पोर, कौन सा? डोली, यानी दुल्हन आएगी, डोली पोर, ठीक है, याद रखना, सिंपल पोर और डोली पोर, बात समझ में आ रही है। तो एक हाइफा है जिसमें ये हमें क्रॉस वॉल दिख रही है उसे हम लोग सेप्टेट बोलेंगे, और जहां हमें क्रॉस वॉल नहीं दिख रही उसे हम लोग एसेप्टेट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, क्रॉस वॉल अगर है तो क्रॉस वॉल में एक पोर होगा जिसे हम लोग क्रॉस वॉल में एक पोर होगा जिसे हम लोग दो नाम से बुला सकते हैं, एक हो सकता है सिंपल पोर हो, ठीक है, एक हो सकता है सिंपल पोर हो और एक हो सकता है डोली पोर हो। कैसा स्ट्रक्चर होता है बस बता रहा हूँ, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सिलेबस में उतना डिस्कस नहीं किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। तो देखो दो टाइप के पोर हो सकते हैं, इसी में देखना, इसी में बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, अलग से नहीं बना रहा हूँ, इसी में बना रहा हूँ। देखो एक तो हो सकता है ये, जैसे मान लो ये अगर है तुम्हारा, ये हमने बना दिया क्रॉस वॉल, ये सेप्टा, सेप्टा है, ठीक। अब इसी के बीच में हमने एक पोर बनाया, क्या बनाया? ये पोर। तो ये कैसा है? सिंपल पोर। कैसा है? सिंपल पोर। ये कैसा है? सिंपल पोर। तो इसका हम लोग नाम लिखेंगे, यहीं से अगर मैं दिखा दूं, ये है हमारा सिंपल पोर। ठीक, ये क्या है? सिंपल पोर। अब डोली पोर कैसा होगा? तो डोली पोर के लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें इसको सजाना पड़ेगा, क्योंकि डोली है तो ये ऐसा, ठीक, ये इस टाइप से होगा डोली पोर, इस टाइप से होगा डोली पोर, ठीक है। अगर वीडियो वालों को ये फिगर नहीं दिख रहा होगा तो वो थोड़ा जूम करके देखेंगे या बोलेंगे तो मैं अलग से बना करके उस फिगर दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये है डोली पोर, ठीक, ये थोड़ा सा मतलब उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस होता है सिंपल पोर से। सिंपल पोर में दिख रहा होगा बस एक सिंपल सा पोर जैसा दिखता है स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर डोली पोर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। तो ये था सिंपल पोर और डोली पोर इस हिसाब से, ठीक है ना। तो हमें क्या याद रखना है हाइफा के बारे में? हाइफा एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किंगडम फंजाई की या सिंपल फंजाई की, ठीक है ना। तो अब अगर हमने इतना सीख लिया तो एक छोटी सी बात जान लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों को रिप्रोडक्शन जानना है ना, तो रिप्रोडक्शन जानने से पहले एक छोटी सी बात जान लेते हैं। लिख लो होलोकार्पिक फंजाई, होलोकार्पिक फंजाई, ये इतना नोट कर लो या इसका स्क्रीन शॉट ले लो। तो फिर मैं इसको वीडियो वालों को बता रहा हूँ कि स्क्रीन शॉट ले लो। वीडियो वालों का बहुत ख्याल रखता हूँ मैं।
मेरे जो वीडियो लेने वाले हैं मैं उनसे फीस भी ले सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा नवोदय में आना जाना लगा रहता है, तो नवोदय वाले वीडियो देखते हैं, जाऊँगा तो बोल दूँगा बक्सा खोलो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता था, बक्सा खुलवाते थे और फिर जो जो है खाने पीने वाला सब निकालो, या फिर पूछेंगे उससे घर से तुम्हारे कहिया आए थे, अगर वो बोल दिया गलती से कि बस आज ही आए थे तब तो फिर क्या पूछना, तब तो ढेर सामान आया होगा। तो देखो होलोकार्पिक फंजाई, होलोकार्पिक फंजाई क्या होता है? होलोकार्पिक फंजाई तो देखो ऐसी फंजाई जिसमें उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो गया हो, किसमें? सेक्स ऑर्गन में, किसमें? सेक्स ऑर्गन में, उसे हम लोग बोलते हैं होलोकार्पिक फंजाई। तो लिख लो फंजाई इन विच होल स्ट्रक्चर होल वो छेद मत कर देना, होल स्ट्रक्चर मॉडिफाइड इनटू लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, होल स्ट्रक्चर मॉडिफाइड इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लो, या फिर इसका पहले एग्जांपल लिख लो, लिखो सेंडेट्रियम, हो गया लिख लिए। सेंकेट्रियम लिख लो इसको, या फिर एक और लिख लो ऑल्पीडियम भी होता है, लिख लो सब याद कर लेना, बड़ा मज़ेदार नाम होता है, अच्छा लगता है याद करने में, फीलिंग आती है कि आज कुछ पढ़े हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखो अब एक्चुअली जो लोअर फंजाई होती है ना उनमें ऐसा होता है, जो लोअर फंजाई होती हैं, अब फंजाई में भी देखो लोअर कैटेगरी हायर कैटेगरी मतलब जातिवाद हर जगह चल रहा है, तो देखो लोअर फंजाई जो होती हैं उनमें क्या होता है कि उनका पूरा स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो जाता है, किसमें? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखो यूकार्पिक फंजाई क्या होती है यूकार्पिक फंजाई? जाहिर सी बात है इसके पहले वाले का क्या हुआ था, पूरा स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो गया था? रिप्रोडक्टिव में। और यूकार्पिक में क्या होगा कि कोई एक स्पेशल पार्ट होगा जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होगा। तो लिखो द फंजाई इन विच ओनली अ पार्ट ऑफ थैलस का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, इसीलिए हम बॉडी नहीं लिखवाए हैं, ओनली अ पार्ट ऑफ थैलस गेट मॉडिफाइड इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज का तुम्हारा होमवर्क होगा कि तुम्हें पता करके आना है कि माइसेलियम क्या होता है, क्या पता करके आओगे माइसेलियम क्या होता है? वीडियो देखने वाला भी ध्यान रखें कि ये होमवर्क है, क्या होगा कि माइसेलियम क्या होता है ये तुम्हें पता करके आना है। माइसीलियम के बेसिस पे फंजाई का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन फाइंड करके आना है, 5 क्लास होती हैं, ठीक है, वो पता करके आना, वरना मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, कौन कौन सी क्लास होती है। तो अब हेडिंग डाल लो रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई का वो सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं जानते नहीं हैं, कहाँ जानेंगे, हम तो बहुलट हैं ना, कुछ नहीं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है? स्पोर की वजह से, ठीक ना। तो याद रखना है हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में किसके हेल्प से होगा, स्पोर की वजह से, यानी वहाँ स्पोर का फॉर्मेशन होगा और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये थोड़ा सा, इसमें 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं हम लोग समझ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो देखो अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सबसे पहला स्टेप होगा प्लाज्मोगैमी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा?
प्लाज्मोगैमी बुक में ही बताया गया है। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा कारियोगैमी, नहीं कैरियोगैमी, कारियोगैमी, ठीक। और उसके बाद तीसरा ये भी बोल दो कुछ, ठीक है। तीसरा स्टेप है इसका, लिख लो मियोसिस। तीसरा स्टेप क्या है? मियोसिस। तो ये तीन स्टेप होते हैं रिप्रोडक्शन में ना। तो अब याद रखना क्या क्या होगा। देखो प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है, हम लोग आराम से समझेंगे, प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है सेल के अंदर जो फ्लूड होता है ना उसके लिए प्लाज्मा वर्ड यूज किया जाता है, और गैमी का मतलब होता है टूटना, ठीक। गैमी टूटने के लिए इस्तेमाल हुआ है या डिवीजन के लिए इस्तेमाल हुआ है, हम लोग ऐसे समझेंगे। तो यानी उसके अंदर जो फ्लूड है, फ्लूड है उसका डिवीजन होगा। उसके बाद कैरियोगैमी, कैरियो वर्ड होता है यूज न्यूक्लियस के लिए, किसके लिए? न्यूक्लियस। बताया हूँ शायद एक अखबार, बताया हूँ ना, सब बता देता हूँ मैं। कैरियो वर्ड किसके लिए यूज होता है? न्यूक्लियस के लिए। और गैमी फिर से वही बात, डिवीजन। तो उसके बाद होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, और उसके बाद मियोसिस होगा, पूरा पूरा सेल डिवाइड हो जाएगी। लो मजा हो गया, एक से दो, बस यही था रिप्रोडक्शन में, एक से दो करना था, ठीक है। तो इन तीनों प्रोसेस के बारे में हम एक एक लाइन थोड़ा थोड़ा अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि प्लाज्मोगैमी में क्या होगा? प्लाज्मोगैमी में होगा प्लाज्मा का डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद कैरियोगैमी में क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीज़न। और उसके बाद मियोसिस होगा जिसमें पूरी सेल डिवाइड होगी और एक से दो बन जाएंगे, यानी रिप्रोडक्शन कम्प्लीट हो गया। एक से दो ही तो करना था, ठीक है। अब ऐसे ही ये इतना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एनसीईआरटी की सारी लाइन बाय लाइन पढ़ना, ठीक है। वहाँ हो सकता है तुमको कुछ नए टर्म मिले। देखो हम फिर से बता दे रहे हैं, अभी हम बताए उसको इसलिए नहीं है क्योंकि तुम एनसीईआरटी जाके पढ़ो और तब आके हमसे पूछो, तब बताएंगे, फ्री में काहे ज्ञान बांटें। तो देखो क्या क्या आएगा। हाँ, उसमें आएगा एक डाइकैरियन, ठीक है, डाइकैरियन वर्ड आएगा, ठीक है, या माइसेलियम वर्ड हो सकता है आ जाए। तो इसीलिए ये सब तैयार करना, ठीक है ना। इसको एक बार लाइन बाय लाइन पूरा किंगडम फंजाई का वो पढ़ना, और ये सारे वर्ड आएंगे, इन सारे वर्ड को आ करके पूछोगे तब बताऊंगा, ठीक। बिगड़ के आना, जब पूछोगे तभी बताया जाएगा, ठीक ना। तो अब हेडिंग डाल लो फाइकोमाइसिट्स। फंजाई के बारे में जो हमें पहला ग्रुप पढ़ना है वो है फाइकोमाइसिट्स। अरे तो क्या मतलब, मैं लिखवा ना करूं? वीडियो वाले बेचारे बेचारे को मैं वीडियो देखना था। फाइको बेचारे ही हैं, पढ़ने नहीं आ सकते हैं, फीसें दे रहे हैं सब, कोई जाना तो है नहीं, इसलिए बेचारे ना पढ़ने आ रहे हैं ना फीस दे रहे हैं, कोई चारा नहीं है तो बेचारे, ठीक है। तो फाइकोमाइसिट्स में सबसे पहला पॉइंट लिखो, ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजाई, ऑल्सो कॉल्ड एज ठीक। ऑल्सो कॉल्ड को कैसे लिखना है? ऐसे, क्योंकि नोट्स है तो नोट्स ऐसा बनाओ कि साला तुम्हारे अलावा कोई इसको समझ ही ना पाए, अगर कभी चोरी भी हो जाए तो वापस कर दे, गलती चला गया था भाई साहब, ठीक है। तो ऐसा ही लिखे हो कि सब कोई समझ जाए। ऑल्सो कॉल्ड है, इसको ऑल्सो हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्गल फंजाई, क्या बोल सकते हैं? एल्गल फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई, इट इज द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई, सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई, ठीक है, ये बहुत सिंपल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मेंबर्स आर, इनके जो मेंबर्स होंगे, मेंबर्स आर अरे रे 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 एक्वेटिक, फिर उसके बाद अब लिख देके लिखना, मे बी टेरेस्ट्रियल, जरा ध्यान से सुनो, टेरेस्ट्रियल लिख लेंगे ना, मे बी टेरेस्ट्रियल, कॉमा देके लिखो उसी के आगे, सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक, या फिर कॉमा देके लिखो ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट एक ही में लिखना है, नहीं कि ऑब्लिगेट फिर कॉमा देके पैरासाइट लिख रहे हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। देखो दो चीज़ें होती हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, ये दो वर्ड आते हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, क्या इसका मतलब होता है ये अभी नहीं बताऊँगा, पूछोगे तब बताऊँगा, वीडियो वाले कमेंट कर, अभी बता दूँगा, वीडियो वालों को पता नहीं चल जाएगा, कमेंट करेंगे तब बताऊँगा, ठीक है।
तो देखो मेंबर्स आर एक्वेटिक, अब जरा ध्यान से सुनो, हम लोग क्या पढ़े थे फंजाई में कि वो मॉइस्चर लविंग होता है ना, एक्वेटिक से उसका कोई नाता ही नहीं था, और यहाँ पर देखो मेंबर्स आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं ना, इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है एल्गल फंजाई, क्योंकि एक्वेटिक कौन था, एल्गी, ठीक, एक्वेटिक था एल्गी, और यहाँ पर फंजाई भी हमें दिख जा रही है, ठीक, इसलिए बोला जाता है कि ये एल्गल फंजाई भी इनको कहा जाता है, इनका मतलब ऐसे नॉर्मली नाम है, ठीक है। अच्छा बायो में कभी कभी कॉमन नेम आते हैं कि इनका कॉमन नेम ये है, इनका कॉमन नेम वो है, बायो में और केमिस्ट्री में दोनों में, जबकि मज़े की बात यह है कि हम लोग कॉमन नेम भी नहीं पता होता है, पढ़े लिखे तब तो कभी कॉमन नेम पता हो ना, कॉमन नेम पता है ना साइंटिफिक नेम पता है, कुछ नहीं पता है, ठीक। तो एल्गल फंजाई था ये। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चूंकि अभी अभी हमने हाइफा के बारे में पढ़ा ना, तो इसलिए हम हाइफा को भी यहाँ पर लिख लेंगे। लिखो हाइफा इज एसेप्टेट, हाइफा इज एसेप्टेट। अब एसेप्टेट से तुरंत कैसा फिगर आना चाहिए दिमाग में कि हाइफा है और उसके बीच में क्रॉस वॉल नहीं है, क्रॉस वॉल नहीं है, तो तुरंत लिख लो हाइफा इज एसेप्टेट। हाइफा इज एसेप्टेट आ सकता है ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में, याद करते चलना, ठीक है ना। जो ड्रीम था बाहर जाने का, तो हम तुमको उस लेवल का पढ़ा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लिखो फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाई स्पोर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाई स्पोर। अब स्पोर दो टाइप के होंगे, कौन कौन से, मोटाइल नॉन मोटाइल, अच्छा स्पोर सेप्टेट एसेप्टेट होते हैं, हाइफा होता है वो, हाइफा होता है सेप्टेट और एसेप्टेट, ठीक है। स्पोर होंगे, एक मोटाइल हो सकता है या तो नॉन मोटाइल, मोटाइल का मतलब मूव करेगा इधर उधर जा सकता है, नॉन मोटाइल का मतलब मूव नहीं करेगा। अच्छा मूव कर रहा है इसका मतलब क्या है कि उसके पास फ्लैजेला होगा, क्या होगा, फ्लैजेला होगा। तो ऐसे स्पोर जो मोटाइल होंगे उनके पास फ्लैजेला होगा, ऐसे स्पोर जो नॉन मोटाइल होंगे उनके पास फ्लैजेला नहीं होगा। हो तो जो स्पोर मोटाइल होंगे, लिखो जो स्पोर ऐसे ही लिखोगे, जो स्पोर मोटाइल होंगे, तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग क्या पढ़े, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा होगा, वो होगा स्पोर से, किससे होगा, स्पोर। अब स्पोर दो टाइप के कौन कौन से हमने पढ़ा, एक हो सकता है मोटाइल यानी कि विथ हाइफा, और एक हो सकता है नॉन मोटाइल, या एक हो सकता है नॉन मोटाइल, ठीक। तो मोटाइल का क्या मतलब है, मोटाइल का मतलब है विथ फ्लैजेला, विथ फ्लैजेला, और नॉन मोटाइल का मतलब है विदाउट फ्लैजेला, विदाउट फ्लैजेला, ठीक है। ये विथ और लिखने का स्टाइल है और ये विदाउट लिखने का स्टाइल है, तो इसको लिख लेना। तो मोटाइल स्पोर वो होंगे जिनके पास फ्लैजेला होगा, यानी कि वो फ्लैजेला है तो कुछ काम करेगा ना, इसे थोड़ी फालतू आके बस बैठा रहेगा, काम करेगा, काम क्या करेगा, उसको मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक। यानी यहाँ से वहाँ अगर जाना है, उसको लोकमोशन करना है, तो उसमें कौन मदद करेगा, फ्लैजेला मदद करेगा, ठीक। तो ऐसे स्पोर जो मोटाइल होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, जू स्पोर, क्या बोलते हैं, ठीक, उनको क्या बोला जाता है, जू स्पोर। और जो नॉन मोटाइल होते हैं उनको क्या बोलेंगे, जूजू स्पोर, कोनिडिया, ये देख उसको बोलेंगे एप्लानोस्पोर, क्या बोलेंगे, एप्लानोस्पोर, उसको बोलेंगे एप्लानोस्पोर, लिख लो। तो इसको फटाफट से, वीडियो वाले भी तुरंत इसकी वीडियो पॉज करो, फटाफट लिखो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो इसको बना लिया, अगर इसको बना लिया तो अब एक पॉइंट लिख लो फटाफट से कि स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द, स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम, इनसाइड द स्पोरेंजियम, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होंगे। स्पोरेंजियम क्या होता है, हम तुमको ऐसे रफली समझा दे रहे हैं, स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर बनता है, वही जो तुमने लिखा है, ठीक है, तो और कुछ नहीं है इसमें याद रखने लायक, उसका स्ट्रक्चर भी कभी बना के दिखा देंगे। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें इसमें फाइकोमाइसिट्स में, तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं फंजाई में कैसे होता है, ये भी फंजाई ही है तो इसमें भी वैसे ही होगा, ठीक है। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर मियोसिस, ठीक है। तो अब यह एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो जो गैमेट बनेंगे वो कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है, तो कैसे कैसे बनेंगे,
एक मेल गैमेट बनेगा, एक मेल गैमेट बनेगा ठीक, और एक फीमेल गैमेट बनेगा, एक फीमेल गैमेट बनेगा ठीक है। ये मेल का सिंबल होता है, ये मैं नहीं बनाऊँ, ये बायोलॉजी में चलता है ऐसा ठीक है ना, और ये फीमेल का सिंबल है ठीक। देखो दिख भी रहा होगा, ये फीमेल नहीं दिख रही है, देखो ध्यान से इसमें, अरे उसका अभी मन है, उसका स्टाइल है, बड़ा बाल रखेगी क्या तकलीफ है तुमको, ये बिना बाल का है, मेल है ये ठीक। तो ये मेल गैमेट और वो फीमेल गैमेट, ऐसे दो गैमेट बनेंगे ठीक है ना। तो अब देखो जो दो गैमेट बनेंगे, जो दो गैमेट बनेंगे वो किस किस टाइप के हो सकते हैं फाइकोमाइसिट्स में, याद रखना कि वो दो गैमेट हो सकता है कि एकदम सिमिलर दिखें एक दूसरे के, वो दो गैमेट एकदम सिमिलर दिखें एक दूसरे के ना, मतलब कि जैसा मेल वाला गैमेट वैसा ही फीमेल वाला गैमेट ठीक। तो अगर दोनों गैमेट एक दूसरे के एकदम सिमिलर हो, एकदम सिमिलर देखने में हो, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोगैमस, क्या बोलेंगे, आइसोगैमस ठीक। तो आइसोगैमस का क्या मतलब है, हेडिंग डाल लो फटाफट यहीं पे लिख लो आइसोगैमस। ये देखो ये सब बताया गया होगा तुम्हारे एनसीईआरटी में जरूर, तो हम बस एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आइसोगैमस का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमेट आर सिमिलर, यानी ये मॉर्फोलॉजिकली जो होंगे वो सिमिलर होंगे, मेल और फीमेल गैमेट जो होंगे मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर होंगे, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोगैमस, क्या बोलेंगे, आइसोगैमस। अब जरा ध्यान से सुनना कि अगर मेल और फीमेल गैमेट सिमिलर हैं तो हम लोग उन्हें नाम दे रहे हैं आइसोगैमस, यानी कि अगर मेल और फीमेल गैमेट डिससिमिलर होंगे तो हम क्या कहेंगे ठीक है। तो अगर मेल और फीमेल गैमेट को सिमिलर होने पे आइसोगैमस कहा जाता है, तो मेल और फीमेल गैमेट जब डिससिमिलर होंगे तो उसके लिए हम लोग नाम देंगे एन आइसोगैमस, क्या नाम देंगे, एन आइसोगैमस ठीक है, एन आइसोगैमस ठीक है ना। तो एन आइसोगैमस क्या होगा कि ऐसे गैमेट्स जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सिमिलर ना दिखे, यानी हो सकता है छोटे बड़े हो जाए ठीक है, हो सकता है छोटे बड़े हो जाए, तो सिमिलर नहीं होंगे, इतनी बात तो पक्की हो गई ना, इतनी बात पक्की हो गई कि एन आइसोगैमस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सिमिलर नहीं होंगे। अब तुम्हारी बुक में एक नाम दिया गया होगा, एक और नाम दिया गया होगा ऊगैमस, क्या नाम दिया गया होगा, ऊगैमस, ध्यान से सुनना ऊगैमस, ऊगैमस, ऊगैमस क्या है कि वो भी एक तरह का एन आइसोगैमस भी है, यानी कि ऊगैमस में भी जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं ठीक है। लेकिन ऊगैमस इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ऊगैमस में जो फीमेल गैमेट होता है वो मेल गैमेट से ज़्यादा बड़ा होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे मान लो ये मेल गैमेट तो ये फीमेल गैमेट ठीक, ये मेल गैमेट छोटा सा ठीक और ये फीमेल गैमेट बड़ा सा। तो ये हमें याद रखना है कि मेल और फीमेल गैमेट अगर साइज में सिमिलर हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे आइसोगैमस, अगर साइज में सिमिलर नहीं है तो उसे बोलेंगे एन आइसोगैमस ठीक है। लेकिन यहीं पर ऐसा लिख लेंगे हम लोग कि साइज में सिमिलर नहीं होंगे, ये सिमिलर का सिंबल, ये सिमिलर का सिंबल इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं, ये सिमिलर का सिंबल, ये मेल और ये फीमेल, ये काट दिया, यानी सिमिलर नहीं है ठीक है। ऐसे नोट्स बनाया जाता है एकदम शॉर्ट में। तो ये मेल और फीमेल गैमेट जो है वो आपस में सिमिलर नहीं होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, एन आइसोगैमस ठीक है। और आपस में सिमिलर नहीं है यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट है ठीक, और डिफरेंट डिफरेंट में अगर फीमेल गैमेट बड़ा हो गया, फीमेल गैमेट क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी फीमेल गैमेट इज लार्जर देन मेल गैमेट ठीक है। अगर जो फीमेल गैमेट है वो मेल गैमेट से बड़ा होता है तो हम लोग उसे क्या नाम देंगे, ऊगैमस। तो हमें इतनी सी बात याद रखनी है, कोई दिक्कत इतने में, तो उसके लिए अभी तुमको नहीं पढ़ना है ठीक है। तो एन आइसोगैमस ऊगैमस बताऊंगा इसको, इसके बारे में ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना हम लोग जान लिए ठीक है ना, फाइकोमाइसिट्स में इतनी सी बात हम लोग जान लिए ठीक है। तो ये पूरा लिख लो पहले, ये वाला आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस तीनों लिख लो ठीक है। अगर इतना लिख लिए तो अब लिख लो एग्जांपल, हाँ एग्जांपल में लिखो राइजोपस
ये वीडियो वाले स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें और लिख लें, बता चुका इसके कुछ एग्जांपल। राइजोपस लिख लिए क्या, स्पेलिंग आती है? अच्छा, और एग्जांपल इसका लिख लो, राइजोपस है कि राइजोफस है? अच्छा, और म्यूकर, ठीक है, और अल्बुगो, अल्बुगो और खटाक से बोल दे काक, ठीक, और कुछ तो एक आध मैं बता दूं। तो एक लिख लो, सेप्रोलेग्निया, सेप्रोलेग्निया। अब इसके आगे लिख लो ईटीसी, क्या लिखोगे? ईटीसी, ईटीसी का मतलब एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी ना, मतलब सोच विचार जब कुछ नहीं आता है तो ईटीसी लिख देते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का फाइकोमाइसिट्स ख़त्म हुआ ना। तो आज हमने फाइकोमाइसिट्स देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स, ये दोनों ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा हमको जल्दी कहीं जाना है, तो वीडियो वाले जो ना समझ में आया तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या नहीं समझ में आया वो समझाया जाएगा, और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, ठीक है। तुम भी पढ़ लेना, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको भी कर लेना, पता करके आना, नॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। और जो नहीं समझ में आएगा वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।